नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महिषी विधानसभा के जदयू विधायक गुंजेश्वर साह जी। बातचीत करेंगे वर्तमान समय के बिहार की स्थिति पर, साथ ही साथ बिहार में हुए वर्तमान समय के कामकाज पर भी, और कई सौगातें बिहार को मिलने वाली है नीतीश जी के नेतृत्व में, इन मुद्दे पर बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले, चूंकि अब काफ़ी समय हुआ है आप लोगों को जीते हुए, महिषी से शुरू करते हैं और महिषी से फिर पटना तक जाने की कोशिश में जुटेंगे। महिषी में क्या क्या बदलाव हुआ आपके नेतृत्व में, किन किन चीज़ों पर काम शुरू है, और महिषी विधानसभा के लोगों को किस तरह की प्राथमिकताएँ आप लोगों द्वारा मिल रही है? विदित हो कि कोरोना महामारी के चलते ये साल लगभग कोई काम काज नहीं हो सका। हम लोग को जितना काम करना चाहिए था, हम लोग का एक साल बुझे एक तरह से मैं बिना काम का निकल गया। अब हमारा एरिया कोसी का एरिया है, 6 महीने हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अब सुखाड़ का समय आया है, 3-3 रोड की उद्घाटन हम लोग किए हैं। एक है 54 करोड़ का, वो घट के कोई पुल के चलते 47 करोड़ का है। दूसरा 13 करोड़ का है, एक 6 करोड़ का है। सब का उद्घाटन सभी काम प्रारंभ है तटबंध के अंदर में, और कई पुला बनना है, कई पुलिया बननी है, जल निकासी करनी है। हमारा जो सीपेज एरिया है महसी और बख्तियारपुर अब सुपौल का जो एरिया है कोसी तटबंध के पूरब साइड, वो जल जमाव का एरिया है। पहले उसमें स्विस गेट था जो भूकंप में डैमेज हो गया, वो बंद हो गया। उसमें फिर स्विस गेट की जरूरत है, जल निकास की जरूरत है, ताकि कम से कम 65 से 70 किलोमीटर की लंबाई में और 4 किलोमीटर की चौड़ाई में किसान का कोई खेत उपज नहीं रहा, उस पर खेती नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें जल जमाव है, भाकन है, और जब तक वो पानी नहीं निकलेगा खेती नहीं हो सकता है। अगर वह हो जाए तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ी आबादी को, कृषक को लाभ मिलेगा, और जो पंजाब दिल्ली हरियाणा दौड़ते हैं कृषक के बाल बच्चे अपने खेत में काम करके अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे और बढ़ाएंगे। कृषि के स्तर से भी बेहतरी हो सकती है, आमदनी जो दोगुनी की बात प्रधानमंत्री जी की भी चलती हुई आ रही है, बिहार सरकार लगातार। अच्छा, एक मुद्दा है और इसको लेकर बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि लगातार विपक्ष सरकार पर वार करती है। वजह है शराबबंदी, कभी मिल जाती है आप देखिए सचिवालय के पास, कभी मिल जाती है किसी कलेक्ट्रेट के सामने, कभी किसी स्कूल के बगल में खाली बॉटले। आप क्या मानते हैं, सरकार विफल है या फिर अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस तरह के? इसमें लापरवाही बहुत नहीं कही जा सकती है, और जो लोग शराब के मामले में हल्ला करते हैं, चाहे वह राजद का हो किसी भी दल का हो, हम समझते हैं उनको समाज में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वो चाहता है ये शराब चलता रहे, और उसमें से जो लोग उसके पक्ष में बोल रहा है उसमें कई का परिवार शराब का धंधा करता था, और धंधा बंद हो गया, उसकी आमदनी बंद हो गई है, हल्ला कर रहा है। एक बात आपसे पूछते हैं, असेंबली चल रही है, सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी असेंबली में है, कैसे बोतल आ जाएगा? और वो बोतल आप ही लोग क्यों देखे और क्यों नहीं देखा? कम से कम पटना असेंबली में कम से कम 2000 कार्यकर्ता है, उस दिन कम से कम 300-400 पुलिस रहती है, कम से कम 100-200 अफसर रहते हैं, सारे विधायक 243 रहते हैं, लेकिन किसी को बोतल नहीं दिखाई पड़ी, सिर्फ आपको दिखाई पड़ी, क्या कारण है? और खाली बोतल तेजस्वी जी लेकर गए थे वहाँ, वो मैं नहीं जानता हूँ कौन लेके, हम भी लेके गए हो, आप भी लेके गए हो, किसी ने देखा तो नहीं है जो किसी का नाम को लगा देगा, लेकिन आप ही कैसे देखे? ये प्रश्न उसकी जांच हो रही है। दूध का दूध पानी का हो, पानी भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तेजस्वी जी ने शादी की है और नई नई शादी है उनकी, कल का बयान आपने देखा होगा यादव का, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? नहीं, चलिए शादी विवाह में मैं पारिवारिक मामला है, जिसको जिसमें रस बस जाए, जो अच्छा लगे करे, उसमें मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया। सर, बिहार के विकास के पैमाने कोरोना को मात दे के उभरा है पूरा देश, उसके बाद अब 4 साल का सब
तरह की सौगातें और क्या क्या नई रणनीतियों पर बिहार सरकार काम करने जा रही है, खासकर कोसी का जो ये बेल्ट है अपना, महिषी, सहरसा या फिर आप सोनवर्षा तक जाए, तो अभी भी मुझे लगता है कि विकास के पैमाने पर काफ़ी अछूता है। सड़क हो या फिर कृषक हो या फिर शिक्षा हो, बड़े पैमाने पर सर ये आरोप है कि जहाँ तक हम लोग घूम कर देखे, अभी पंचायत चुनाव में भी हमने कई गांव का दौरा किया और मुझे लगता है कि सारी नीतियाँ योजनाएं सही है लेकिन इम्प्लीमेंट जो है पूर्ण रूपेण नहीं होता है, क्या कहेंगे इसमें थोड़ा बहुत माना आपकी बात को मान सकते हैं कि हमारे पदाधिकारी जितना तत्पर होना चाहिए, जितना उसको लगनशील होना चाहिए, जितना काम के प्रति उसका समर्पण होना चाहिए, इसकी कमी तो दिखाई बस पड़ती है। और अभी हमारे प्रभारी मंत्री आए थे, सारे अफसरों को हिदायत भी दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री बार बार हिदायत दे रहे हैं, हम लोग भी बार बार आग्रह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ क्या चाहिए, हम लोग खेती ये एरिया कृषक का एरिया है, इसको खेत में पानी चाहिए, जल जमाव दूर होना चाहिए, कृषि की उपज का सही दाम उसको मिलना चाहिए, मखाना जैसे जो सिर्फ खास करके कोसी और मिथिलांचल में होती है, इसका अधिक से अधिक इसके महत्व को, इसके पैकेट में इसको फोरलावा फोड़ने का, उपजाने का, इसका महत्व सरकार को देनी चाहिए। देश विदेश में भी आप पैसा कमा सकते हैं इससे, इसका ब्रांडिंग करनी चाहिए और इस प्रति सरकार है, हमारे उद्योग मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री स्वयं इसके प्रति बहुत वो लगनशील है कि हम मखाना को या कृषि कार्य को हम जितना आगे बढ़ा सकें, यही बिहार के जीवन की एक कृषक के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बिहार में जितना कृषक है, कृषि पर आधारित मजदूर है, वो मुश्किल से 60-65% कृषि पर आधारित है, 30-35% उद्योग नौकरी चाकरी फेरा फेरी में है, लेकिन 65-70% किसान और किसान पर आधारित मजदूर ये कृषि पर है। कृषि का बेहतरी ही बिहार की बेहतरी है, हर खेत को पानी मिल जाए, जल निकासी हो जाए, और खास करके आप जो विकास पर बोले हैं उसमें 2-3 खामी है हमारे पॉलिसी में। अभी हमारे सरपंच आए हुए थे, हम लोग कुशेश्वर के चुनाव में थे, 9 पर हम लोग चल रहे थे, एक गलती क्या है कि तटबंध के अंदर और तटबंध के बाहर दोनों का एस्टिमेटिक बनाता है, जबकि ये सही नहीं है। कोसी के अंदर पानी का प्रेशर रहता, पानी अधिक रहती है, अब नालंदा में जो बनेगा वो कोसी के तटबंध अंदर के लिए एस्टिमेट काम करेगा क्या? वहाँ तो कहीं 9 फीट मिट्टी है, कहीं 9 फीट पानी है, कहीं 10 फीट पानी है, कहीं 11 फीट पानी है, कहीं 6 फीट पानी है, कहीं 5 फीट पानी है। आप नालंदा और हम लोग के एरिया ही जो प्रतिबंध से बाहर है उसका उस आधार पर उसको देते हैं जो उचित नहीं है, वो 2 फीट मिट्टी देते हैं, बाहर आती है, उस पर चढ़ जाती है, उस पर बह जाता है, टूट जाता है, बार बार पैसा का हानि होती है, स्कीम बर्बाद होता है। तो माननीय मंत्री जी बोले हैं कि हम कैबिनेट में लाकर इसमें परिवर्तन करेंगे, वो बोले हैं आगे उस पर जरूरत है ताकि उसका विकास। क्या मैं मानूं कि गुंजेश्वर शाह जी इन मामले पर, इस मसले पर विधानसभा में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते दिखे? मंत्री स्वयं का, हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों सक्षम है करने के लिए, इसलिए कैबिनेट की जरूरत है, इस विधानसभा की जरूरत इसकी नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं विकास के रफ्तार की जो बात है उसके लिए स्वयं विधायक जी ये स्वीकारते हैं कि देखिए कमियां खामियां तो है और उन खामियों पर सीधे मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों की भी नज़र है और हम लोग भी नज़र बनाकर उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिक्स है, राजनीति है और पत्रकारिता है, तो ज़रूरी नहीं है कि चिल्ला के ही सारा समाधान निकले। ज़रूरत है कि इन मसलों को नेताओं तक पहुंचाए और उनसे ये आश्वासन जरूर लिया जाए कि आखिर क्षेत्र की बेहतरी के लिए उनके प्रयास किस कदर हैं। लगातार बिहार में हम बने हुए हैं और आपको पंचायत के साथ साथ अभी हम बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट करा रहे थे और बिहार की जो समस्याएं हैं उनके समाधान की भी बात चल रही थी। कोसी बेल्ट में इस वक्त हम हैं और महिषी विधायक से हमारी बातचीत हुई। सर, आपने काफ़ी शालीनता से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।